तो दोस्तों आ गए हैं अलशिफा हॉस्पिटल में। अलशिफा हॉस्पिटल का एड्रेस और उसकी लोकेशन आपको लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलशिफा हॉस्पिटल में हम आपको हॉस्पिटल का टूर कराएंगे, डॉक्टर से मिलवाएंगे और पेशेंट के रिव्यूज़ दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या-क्या सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अलशिफा हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे इको, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के लैब टेस्ट और पैथोलॉजी टेस्ट अवेलेबल हैं। आइए अलशिफा हॉस्पिटल का आपको रिसेप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर आकर आप पर्चा बनवा सकते हैं और जो भी आपको दिखाना है जिस डॉक्टर को उसको दिखा सकते हैं। अलशिफा हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया बहुत स्पेशियस है। यहाँ पर प्रॉपर बैठने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए प्रॉपर जगह है। अगर आप किसी मेडिकल क्लेम के थ्रू अपना इलाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टीपीए डेस्क भी है, आप उसके थ्रू अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलशिफा हॉस्पिटल के ओपीडी एरिया में। यहाँ पे सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, सभी के अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, आपको ओपीडी में दिखाने के लिए बैठने की सुविधा भी मिल जाती है। आइए हम यहाँ पर एक डॉक्टर डॉक्टर फराजुल इस्लाम से मिले, उनसे बात करते हैं। दोस्तों जैसे हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी और उसमें हम कह रहे थे कि ढूंढते हैं मेरा वाला डॉक्टर, मन को भाने वाला डॉक्टर, तो आज हम ऐसे एक डॉक्टर के पास में आए हैं जिनको लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरा वाला डॉक्टर, मन को भाने वाला डॉक्टर। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। मैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम, कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट, अलशिफा हॉस्पिटल। सर अलशिफा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या अलशिफा हॉस्पिटल में मेडिकल जो लोगों के पास में मेडिक्लेम होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अलशिफा हॉस्पिटल यहाँ पे जो खिदमत अंजाम दे रहा है पिछले करीब 11-12 साल से, उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोग वाकिफ नहीं है। अलशिफा के अंदर एक बुनियादी सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि डायलिसिस यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर है फुल फ्लेज, मेडिसिन डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। हर तरह की बुनियादी सुविधा जिसके लिए जरूरत एक फर्स्ट एड के लिए या एक। तो दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर साहब के पेशेंट से और उनके बारे में जानते हैं कि उनके कैसे रिव्यूज हैं और वो डॉक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम आफरीन हाशमी है, मैं अलशिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर फराजुल इस्लाम के पास चेकअप के लिए आती हूँ। दे आर रियली अ गुड डॉक्टर एंड इनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और दे आर रियली नाइस। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे सर के लिए out of 10? out of 10 इट विल बी 10 out of 10। थैंक यू। क्या नाम है आपका? किस बीमारी के लिए आ रही हैं आप यहाँ पे? डॉक्टर साहब का नाम क्या है? फराजुल इस्लाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छे हैं। कितना आराम हुआ है आपको इनकी दवाई से? हमेशा फर्क हुआ है जब भी दवाई ली है। अच्छा, नेचर वाइज कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा अखलाक है उनका, प्यार से बात करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बोलिए जी। अलशिफा हॉस्पिटल में टाइम से इलाज होता है, फराजुल इस्लाम बहुत अच्छा इलाज करते हैं और सब दवाई भी अच्छी देते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलशिफा हॉस्पिटल के फार्मेसी एरिया में। आप यहां पर अपनी सभी दवाइयों के लिए आ सकते हैं। आइए फार्मेसिस्ट से बात करते हैं और जानते हैं किस किस प्रकार की दवाइयां यहां पे अवेलेबल हैं। अलशिफा हॉस्पिटल की फार्मेसी में आ चुके हैं, बात करते हैं सर से। सर अलशिफा हॉस्पिटल की फार्मेसी की टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग सर मेरे यहाँ पर 3 शिफ्ट चलती हैं, एक 8 से 4, 2 से 8 और 12 से 8, और एक नाइट शिफ्ट चलती है 8 से 8, मतलब 24/7 यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर से यहाँ दवाइयाँ लेने आता है तो उसके लिए भी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं? प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी है? प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है सर। और सर यहाँ पे सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के लिए ही ये फार्मेसी है? नहीं, सभी तरह की, जैसे शेड्यूल H1 की हो गई, नार्कोटिक्स हो गई, वो हम आउटसाइड को नहीं देते हैं, नार्कोटिक है वो नहीं देते हैं, बाकी सब तरह की। और प्रिस्क्रिप्शन
एज ऑन डेट का है तो उसे फॉलो कर किया जाता है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे सभी दवाइयाँ मिल जाएंगी, 24/7 मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए, रात में चाहिए, किसी भी टाइम चाहिए, आपको कहीं नहीं मिल रही है, आप अलशिफा हॉस्पिटल आइए। बहुत बड़ी फार्मेसी है और सभी प्रकार की मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है। एमरजेंसी या ट्रॉमा की सिचुएशन में अलशिफा आपको एमरजेंसी वार्ड प्रोवाइड कराता है, जो कि फुल्ली इक्विप्ड है और वेल ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ वहां पे आपको मिलेगा। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो 30 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, उसमें भी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ आपको मिलेगा, जो कि ट्रॉमा के समय में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो अलशिफा हॉस्पिटल में डे केयर के लिए अलग से वार्ड्स बनाए हुए हैं। अगर आपको 4-5 घंटे के लिए ही अलशिफा हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए आना है कि एडमिट होना है, तो उसके लिए अलग से रूम्स बनाए हुए हैं। इसमें भी जेंट्स के लिए अलग है, मेल और फीमेल वार्ड्स अलग अलग बना रखे हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अलशिफा हॉस्पिटल का मेल जनरल वार्ड, जहां पे बहुत सारे बेड्स अवेलेबल हैं। तो अलशिफा हॉस्पिटल में किसी को भी बेड्स को लेके समस्या नहीं होगी और साथ में एक अटेंडेंट को बैठने के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। तो अब हम आ चुके हैं पीडियाट्रिक वार्ड में। यहाँ पर सभी प्रकार की डिलीवरीज के लिए और न्यू बॉर्न बेबीज के लिए रूम्स हैं। आपको दिखाते हैं चलकर, यहाँ पे सभी न्यू बॉर्न बेबीज को रखा जाता है। तो दोस्तों, अलशिफा हॉस्पिटल में हमें मिला एक प्यारा सा हिमालय की ओर से सेक्शन, जिसमें बच्चों के से रिलेटेड सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अलशिफा हॉस्पिटल के डीलेक्स वार्ड में। अलशिफा हॉस्पिटल के डीलेक्स वार्ड में आपको एक नर्सिंग रूम मिलता है, जहाँ पे सभी नर्सेज और डॉक्टर्स ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। अलशिफा हॉस्पिटल का डीलेक्स रूम कैसा होता है, आइए आपको दिखाते हैं। आंखों का चेकअप कराना है तो अलशिफा हॉस्पिटल आपको आंखों के चेकअप के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप अपनी आंखें टेस्ट करा सकते हैं और अलशिफा हॉस्पिटल में ऑप्टिकल रूम भी है। यहाँ पर आप सभी नज़र के और धूप के चश्मे ले सकते हैं। आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलशिफा हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, जो कि ओटी रूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अलशिफा के ओटी रूम में आपको सभी प्रकार की मेजर सर्जरीज मिल जाएंगी और उससे रिलेटेड सभी। अलशिफा हॉस्पिटल में आपको सेमी प्राइवेट वार्ड्स, प्राइवेट वार्ड्स मिल जाएंगे। आपको व्यू दिखाते हैं एक सेमी प्राइवेट वार्ड का।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलशिफा हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में। इतने सारे बेड्स, इतनी सारी डायलिसिस मशीन अलशिफा हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में अवेलेबल है। साथ ही आपको बताते चलें, अलशिफा हॉस्पिटल में फ्री डायलिसिस की सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, आपको फ्री डायलिसिस चाहिए, तो आप 24 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करा कर अलशिफा हॉस्पिटल में फ्री डायलिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं अलशिफा हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड रूम में। यहाँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं बल्कि कलर ड्रॉपलर भी हो जाता है। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या कलर ड्रॉपलर चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अलशिफा हॉस्पिटल के इको रूम में। यहाँ पर सभी प्रकार के इको के लिए आप आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कराना है तो आप अलशिफा हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अलशिफा हॉस्पिटल में 32 स्लाइस तक सीटी स्कैन हो जाता है। तो दोस्तों अब अलशिफा हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। मेरे हिसाब से ये जामिया नगर की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। यहाँ पे हर प्रकार के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं। आपको टूर कराते हैं इस लैब का। अलशिफा हॉस्पिटल में मल्टीपल एम्बुलेंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो अलशिफा हॉस्पिटल 30 मिनट में आपके यहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचाने का दावा करता है।